गुड इवनिंग एवरीवन, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? गुड यस मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, इवनिंग मैम। कैसे हो आप सब? ओके, आर यू बैक? के अगर कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने पहले डिस्कस कर लेना था, तो काफी स्टूडेंट्स ने किया भी था, तो मेरी कोशिश ये है कि आज के मैम बाद, वॉइस मतलब क्लियर आयु नहीं है। पैक, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? सबको प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की? नो मैम, नो नो मैम। मैम, हाँ, तो फिर आप एक बार अपनी क्लास लीव करके दोबारा आओ या नेट रिफ्रेश करके क्लास ज्वाइन करो। आपके एंड पे इशू है आई गेस। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही हूँ कि आयु पैक में कुछ जो डाउट्स अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे डिस्कस किया, तो जो मुझे समझ आया कि थोड़ा बहुत तो कहीं पे डाउट आ रहा है, वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे आपको एंड में अभी बता, मतलब स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ बताऊंगी, जो आयु पैक के एंड में आप लिखोगे कि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है, और एस्टर के केस में मुझे कुछ करेक्ट करवाना है वो मैं बताऊंगी। और हाँ, आपके प्रीवियस ईयर में मैंने एक जगह पे कुछ एक क्वेश्चन जो सिंपल साइक्लिक सिस्टम वाला भी देखा था, तो वो मैं साइक्लिक सिस्टम का भी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। कुछ भी नया नहीं आएगा, रूल्स वही सारे चलेंगे, बस जो एक दो चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहेगी वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सो आप हेडिंग यहाँ पे दीजिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आयु पैक, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आयु पैक। ठीक है, और ये पॉइंट्स जो है मैंने उस बेसिस पे, मतलब दो चार जो भी मुझे लिखवाने, मैंने इस बेसिस पे बनाया है जो अभी तक स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था, जहां पे प्रॉब्लम हो रही थी उसी को मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। ठीक है, देखो जो हमने ईथर और एस्टर का केस किया था उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो मैं अभी बताती हूँ आपको क्या। जब हमारे पास ईथर्स का हमने डिस्कस किया था, इन केस ऑफ ईथर, तो ईथर के केस में हमारे पास क्या था, मैंने कहा था कि अगर दोनों तरफ आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, लाइक एक तरफ आर है दूसरी तरफ आर डैश है, दोनों तरफ जो कार्बन का नंबर है वो डिफरेंट है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेंगे कि ये जो मेरे पास आर चेन है ये लार्ज कार्बन चेन है, इसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है, 5 6 7 8 ज्यादा है, और ये मेरे पास स्मॉल है, स्मॉल कार्बन चेन है, ये मैं एज्यूम कर रही हूं कि अगर दोनों तरफ आर ग्रुप डिफरेंट है तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि एक तरफ कार्बन का नंबर ज्यादा होगा, एक तरफ कार्बन का नंबर कम होगा। तो उस केस में जो हमारे पास स्मॉल चेन वाला सिस्टम है उसको हम लेते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, या फिर आप कह सकते हो एल्कोक्सी फॉर्म में। हमने कहा था कि ईथर्स के केस में नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, इसमें नॉमनक्लेचर होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्कोक्सी एल्केन में जो हमारे पास एल्कोक्सी है इसमें कौन सा एल्काइल ग्रुप आएगा, तो दोनों आर में से वो आएगा जिसके पास कार्बन की चेन छोटी है। ठीक है, ये ईथर्स के केस में हमारे पास रहेगा। तो सपोज आपके पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास ये है CH2CH3 और यहाँ पे है OCH3, तो मेरे पास इस तरफ सिर्फ एक कार्बन है, इस तरफ दो कार्बन है, तो जो मेरे पास कम कार्बन वाला होगा उसको मैं एल्कोक्सी में रखूंगी, और एक कार्बन के लिए मैं यूज करती हूँ मिथ, तो मेरे पास यहाँ पे इसका नाम होगा मिथॉक्सी, ये एल्कोक्सी पे आ गया, छोटे वाले को हमने ले लिया। अब बड़े वाली चेन की बात करते हैं जिसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ईथ, तो उसके एंड में लग जाएगा एन, मींस मिथॉक्सी इथेन। तो ये चीज हमारे पास हुई थी ईथर्स की। ठीक है, और एस्टर्स के केस में एक चीज कुछ डिफरेंट रखनी है वो मैं आगे बताती हूँ, बट ईथर्स का क्लियर है ना, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को, ईथर्स फंक्शन ग्रुप में? यस मैम, ओके, क्लियर नहीं है, है, क्लियर क्लियर। है मैम। ठीक है, फिर एस्टर का मैं बताती हूँ कि एस्टर में कुछ स्टूडेंट्स को, माइक ऑफ कर लेना, जो स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था, तो सेकेंड पॉइंट एस्टर का है। हेलो मैम, हाँ जी, ये आपने मिथॉक्सी कराया है ना, तो यहाँ पे CH3 था। अगर यहाँ पे
कार्बन होते और वहां पे टू होते, फिर वो हाँ, तो चेन। फिर जिस जिस तरफ आपके पास मान लो एक दो तीन तीन कार्बन वाली बड़ी चेन है और दूसरी तरफ दो ही कार्बन है, यही कह रहे हो ना? मैम हाँ, तो छोटी वाली चेन को आप ऑक्सी में लिखते हैं। छोटी वाली चेन में दो कार्बन थे, दो कार्बन के लिए इथ लिखते हो, तो आप लिखते हैं इथॉक्सी। और दूसरी तरफ तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए क्या प्रोपेन लिखोगे? प्रोपेन, प्रोपेन इथॉक्सी प्रोपेन। ओके जिसमें हाँ जिसमें कम कार्बन होंगे वो ऑक्सी के साथ जुड़ेगा। ओके ओके नेक्स्ट लिखिए, सेकंड पॉइंट इसी में, इन केस ऑफ एस्टर्स। और ये एस्टर वाला ध्यान से सुनना, ये कंफ्यूज कर रहा है कुछ स्टूडेंट्स को। तो एस्टर के केस में क्या होगा? एस्टर के केस में हमारे पास जो दो डिफरेंट आर ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये मुझे करेक्ट करवाना था कल। बाय मिस्टेक इसमें भी ईथर के साथ कंपैरिजन सेम जैसा ही चल गया था, बट ऐसा होता है कि जब हमारे पास एस्टर्स में आर सीओओ आर ग्रुप, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, होता है, तो ये जो इसका कार्बोनिल वाला पार्ट होता है, बिकॉज हमने पढ़ा था एस्टर है, एनहाइड्राइड है, एसिड क्लोराइड है, माइड है, ये सारे डेरिवेटिव है किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये जो होता है ये हमारे पास एसिड का पार्ट होता है, फ्रॉम सीओएच, मतलब एसिड और एल्कोहल। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल आपस में कंबाइन होते हैं, तो उससे हमारे पास यहाँ पे वाटर लीव करता है और हमें मिलता है एस्टर। तो इतना पार्ट जो होता है वो एसिड का होता है और इतना पार्ट जो होता है वो एल्कोहल से मिला होता है, ठीक है? एस्टर जब बनता है तो एस्टर दो चीजों से बनता है, एसिड और एल्कोहल। तो ये हिस्सा एसिड का होता है, ये हिस्सा एल्कोहल का आया होता है। तो हमेशा जो हमारे पास एल्कोहल से आया होगा पार्ट, उसको हम लेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट, एज सब्स्टिट्यूएंट कह लो या फिर एज सफिक्स कह लो। हमेशा इसकी जो भी आर चेन होगी इसको हम लेंगे एज सफिक्स, जो एल्कोहल के साइड वाला आर ग्रुप होगा। तो जो बाकी का पार्ट हमारे पास बचेगा इसको हम लेंगे इन पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन में हमने पढ़ा था कि एंड में हम यहाँ पे यूज करते हैं ओएट, प्रोपेनोएट, है ना? ऐसे अगर तीन कार्बन का है तो वो ओएट वर्ड जो होता है वो हमें बताता है कि हम एस्टर्स का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। तो कल ये चीज हो गई थी कि ईथर के जैसे मैंने कह दिया था कि आर ग्रुप के बेसिस पे, बट नहीं, इस चीज को करेक्ट कर लेना कि हमारे पास जो ऑक्सीजन के साथ आर ग्रुप जुड़ा है वो हमेशा हमने सफिक्स की फॉर्म में लेना है, और जो कार्बोनिल के साथ आर ग्रुप जुड़ा है वो हमने मेन चेन में लेना है जिसके एंड में हम ओएट वर्ड लगाते हैं। ओएट एज सब ओहो वेट वेट, सब्स्टिट्यूएंट में प्रीफिक्स प्रेफिक्स लिखना था। यस यस यस, तो यहाँ पे ओएट एज सफिक्स लिखा जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं तो प्रीफिक्स, और ये हमारा ओएट जो है वो रहेगा उसका सफिक्स। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो एग्जाम्पल के थ्रू ही बात करते हैं हम। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या था कि एक सब्स्टिट्यूएंट भी था, तो उसको भी मैं बताती हूँ, बट पहले आपके पास कुछ एग्जाम्पल, ठीक है? हाँ, मेरे पास जैसे ये एग्जाम्पल है, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, 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 CH3। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टर, बिकॉज इसमें हमारे पास एक आर चेन ये है और एक आर चेन ये है, ठीक है? इसके साथ कार्बोनिल जुड़ा है और इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो दोनों आर ग्रुप्स में से हमारे पास जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, हमने क्या कहा था कि उसको हम लेंगे एज प्रेफिक्स। तो अगर हम इसको एज प्रेफिक्स लेंगे या सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? चार। चार के लिए हमारे पास आता है ब्यूट वर्ड, बट अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में है, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में है तो उसके एंड में वाई एल लगेगा, तो चार कार्बन वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम लिखेंगे ब्यूटाइल।
अब हमारा प्रेफिक्स कंफर्म है कि ये ब्यूटाइल चेन का बताया जाएगा कि ऑक्सीजन वाली साइड था। अब हमें बताना है कितने पार्ट का, और कितने पार्ट में कितने कार्बन है, तीन कार्बन, हमें ये भी इंक्लूड करना है। सो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। तो हमारी जो पेरेंट चेन है उसमें हमारे पास तीन कार्बन है, मीन्स प्रोपेन। और क्योंकि एस्टर फंक्शनल ग्रुप है तो हम लिखेंगे प्रोपेनोएट, तो इसका हमारे पास नाम बनेगा ब्यूटाइल प्रोपेनोएट, ब्यूटाइल प्रोपेनोएट। मैम यस मैम, स्मॉल चेन वाला प्रीफिक्स नहीं बनेगा फिर? नहीं नहीं ये मैं वही कह रही हूँ कि कल वो ईथर के साथ ना कंफ्यूजन हो गया था तो मैंने उसमें ये चीज बोल दी थी, बट ऐसा एस्टर्स में नहीं लेना है आपको। एस्टर्स में एल्कोहल वाला पार्ट ही हमेशा आपको प्रीफिक्स लेना है, ठीक है? वो सिर्फ ईथर्स के केस में रखना है जो आपको स्मॉल चेन वाला मैंने बताया है। ओके, करेक्ट कर लेना, इसीलिए मैं क्लास में स्पेशली मेंशन कर रही हूँ इसको, क्योंकि हमारे पास एस्टर्स में जो ओ आर वाला पार्ट होगा उसको हमने लिखना है एज प्रेफिक्स, और बाकी जो पार्ट होगा कार्बोनिल वाला उसको लिखना है एज हमने यहाँ पे सफिक्स, और उसमें ओएट वर्ड जरूर लगाना है क्योंकि ओएट हमें बताता है एस्टर के बारे में। तो इसका नाम बनेगा ब्यूटाइल प्रोपेनोएट। मैम इसमें हमेशा ही नेमिंग अलग अलग करनी है? हाँ जी, हमेशा अलग करनी है, इस आर ग्रुप को अलग बताना है और ये वाला जो चेन है इसको हमने पेरेंट चेन में लेना है, ठीक है? हाँ, इसमें हमें अगर नाम भी दे देगा तो स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो हमें पता रहेगा कि ब्यूटाइल का मतलब है कि वो चार कार्बन की चेन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका पता चल गया। अब बस इसका बचेगा, तो प्रोपेन का मतलब तीन कार्बन और ओएट का मतलब है कि एस्टर है, और ये भी पता है कि एस्टर में ऑक्सीजन के साथ वही प्रेजेंट होता है जो प्रेफिक्स में लिखा होता है। तो अगर हमें नाम दिया हो तो हम स्ट्रक्चर भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? ओके, अब मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने, एग्जांपल नंबर 19 था, जिसमें क्या था कि मेरे पास जो चेन थी ना उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट था। तो उसके लिए इसी के आगे आप एक पॉइंट नोट कर लो कि अगर सब्स्टिट्यूएंट हुआ तब क्या करना है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब कोई कार्बन चेन पे अलग से कोई और फंक्शनल ग्रुप या कोई और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हुआ तब आपको क्या करना है, स्पेशली जैसे हेलोजन्स वगैरह प्रेजेंट हो तो उस केस में आपको मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लिख के देती हूँ, ठीक है? एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, एस्टर है, पर डिफरेंस क्या है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, सॉरी हमारे पास अब आगे और भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, लाइक सिर्फ कार्बन नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट और भी प्रेजेंट है, और अगर और भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उसकी पोजीशनिंग हम कैसे करेंगे या उसको नंबर हम कैसे देंगे, ये कंसेप्ट था। जब तक तो ऐसा हमारे पास सिर्फ कार्बन चेन थे दोनों तरफ और एस्टर था तब तक तो हमें समझ आया कि हमने कैसे करना है कि जो अल्कोहल वाला पार्ट है उसको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लिखना है, कार्बोनिल वाला जो पार्ट है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जो है उसको मेन चेन में लिखना है। बट जब मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया तब क्या करना है। अब एक चीज आप यहाँ पे अगर देखते हो तो दोनों एग्जाम्पल्स में ना डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है एट एल्कोहल साइड, समझ रहे हो ना, ये जो ऑक्सीजन है इस वाली चेन पे सब्स्टिट्यूएंट है, और यहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां है, एसिड वाली साइड। आई गेस ये डिफरेंस समझ आ रहा होगा आपको कि इसमें ओ आर वाली साइड सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें कार्बोनिल वाली साइड सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैं दोनों के लिए आपको बता दूंगी कि क्या नाम बनेगा। तो अगर मेरे पास फर्स्ट के केस में मुझे लिखना होगा तो मेरे पास यहाँ पे पहले मैं इसका नाम करूंगी, तो अगर मुझे ऐसे दिया हो CH2 और उसमें क्लोरीन प्रेजेंट हो तो मैं उसको यहाँ पे 1-chloromethyl बोल सकती हूँ एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इतने को 1-chloromethyl बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि हाँ CH3 से ही तो बना है मेरे पास CH2, तो बेसिक तो एक कार्बन है और उसी एक कार्बन पे क्लोरो प्रेजेंट है,
तो जैसे आप पहले सिर्फ यहाँ बेस को मिथाइल लिख रहे थे, अब आपको ये भी बताना है कि उसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो गया वन क्लोरो मिथाइल। तो सिंपली वन क्लोरो मिथाइल अब आपका हो जाएगा प्रेफिक्स, और जो पेरेंट चेन है उसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम लिखते हैं इथेनोएट, इथेनोएट। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही रहा, बस हमारे पास जो हेलोजन प्रेजेंट था उसकी भी पोजीशन को मेंशन किया गया सब्स्टिट्यूएंट के नाम में। तो मेरे पास हो गया वन क्लोरो मिथाइल और दूसरी तरफ मेरे पास दो कार्बन थे एस्टर के, तो इथेनोएट। बट यही चीज अगर मेरे पास दूसरी तरफ प्रेजेंट होगी तो मुझे क्या करना है, तो उस केस में यहां पे अगेन जो ऑक्सीजन की तरफ प्रेजेंट है वो तो एक ही आर ग्रुप है, मींस सब्स्टिट्यूएंट अब मेरे पास सिर्फ क्या है, मिथाइल। और जो दूसरी तरफ है उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, तो उसके लिए नंबरिंग जो है वो मैं कार्बोनिल से शुरू करूंगी, वन एंड टू। तो इसके लिए मैं लिखूंगी मिथाइल, क्योंकि क्लोरो हाँ मिथाइल टू क्लोरो, मिथाइल टू क्लोरो और दो कार्बन है इसलिए इथेनोएट, इथेनोएट। मींस आपको उस पोजीशन को स्पेशली मेंशन करना है सब्स्टिट्यूएंट को कि वो अल्कोहल वाली साइड प्रेजेंट है। अगर अल्कोहल वाली साइड प्रेजेंट होगा तो पहले लिख देना, अगर पेरेंट चेन वाली कार्बोनिल वाली साइड है तो उसके पहले लिख देना, बाकी सारी चीजें सेम, कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ आपको देखना है कि अल्कोहल वाली साइड है या एसिड वाली साइड है। तो इस तरीके से इनकी जो नोमेनक्लेचर है वो किया जाता है। इसमें कोई डाउट? मैम, अगर जो पेरेंट चेन वाली साइड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो कहीं पे, फिर तो हम कोशिश करते हैं कि जो डबल हमारे पास यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल तो उसको तो पहले नंबरिंग दी जाएगी, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड की उसके बाद आ जाती है तो ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की उसके बाद आनी चाहिए, नहीं आती है तो हम वहां पे चेंज नहीं कर सकते, इसको फर्स्ट बोलना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शनल नेमिंग कैसे ग्रुप होगी को, इसमें? फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबरिंग दी जाएगी आपके पास, जैसे आपके मतलब है इथेनोएट, तो उस केस में आपको इन वर्ड पहले ही वहां बताना पड़ेगा, बिकॉज ओएट अगर रहेगा, जैसे मेरे पास अभी स्पेसिफिक अगर एग्जाम्पल होता तो फिर मैं थोड़ा अच्छे से और कर सकती थी, एस्टर के साथ डबल बॉन्ड अगर होगा तो उसमें बस यही है कि आपको पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी कि फोर पे इन है, थ्री पे इन है, सिक्स पे इन है, कहाँ है, बट एंड में ओएट वर्ड जो होगा वही रहेगा। यानी जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब आपने वही चीज ध्यान में रखनी है जो आपको एक सीक्वेंस बताया गया है, तो उस सीक्वेंस में था ना कि अगर हमारे पास एस्टर प्रेजेंट है या फिर दूसरी चीज आपने बोली ईन वगैरह कोई और चीज प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है एस्टर वाला तो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो ओएट तो आएगा। हाँ ईन के लिए आपने बताना है तो वो आपके पास यहीं पे मेंशन किया जाएगा, जैसे टू क्लोरो फोर ईन फाइव ईन या डाई ईन, जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा एज सब्स्टिट्यूएंट बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम, हाँ जी, और मैम मैम यहाँ पे पर्सनल अल्फाबेटिकल है, मैम ऑर्डर पर्सनल है, हाँ जी नहीं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर अल्फाबेटिकली नहीं आएंगे इसमें। नहीं। देखो आपके पास अगर आपने अल्फाबेटिकली कोशिश करी तो जी मैम, इसका मतलब होगा कि क्लोरो इसके साथ प्रेजेंट हो गया, अगर आपने ये लिखा टू क्लोरो मिथाइल इथेनोएट तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आर ग्रुप के साथ प्रेजेंट है। मैं ऐसे नहीं लिख सकती टू क्लोरो वन मिथाइल इथेनोएट, ठीक है? आपने बोला कि वो सीओ के साथ ठीक सीएच टू लगा है, हुआ है, हाँ जी ठीक ठीक है, क्योंकि अगर हम वन क्लोरो कर देंगे ना तो वो आर उसके साथ दिखेगा ना, आर अल्कोहल आप के साथ। हाँ एस्टर के केस में, इसीलिए मैं कह रही हूँ एस्टर के केस में आप कंफ्यूज ना हो, जो पहले पढ़े वो ठीक है, बट एस्टर के केस में ना आपके पास जो
ओ के साथ आर ग्रुप होता है उसको आपको पहले ही मेंशन करना पड़ता है। अगर उस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो डेफिनेटली आप उसके साथ लिखो, बट अगर उस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आप वहां अल्फाबेटिकली नहीं देखोगे। अगर आपने क्लोरो इससे पहले लिखने की कोशिश की तो इसका मतलब हुआ कि इस आर ग्रुप में कहीं पे क्लोरो प्रेजेंट है, तो हमें ये हमेशा उसी के साथ लिखना पड़ेगा जिसके साथ प्रेजेंट है। तो इथेनोएट वाली चेन में प्रेजेंट था तो इथेनोएट के साथ ही लिखा जाएगा, यहाँ अल्फाबेटिकली नहीं चलेगा, अल्फाबेटिकली नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, अब तीसरी चीज कि कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जब हमारे पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस में हमें क्या करना है। तो उस केस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि मैंने जो नोट्स भेजे थे उसमें पढ़ना, बड़े आराम से समझ आ जाएगा, बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो मैंने एक वहां पे सीक्वेंस लिखा है, एक सीरीज लिखी है, बस वो याद होनी चाहिए। और उसमें क्या था कि अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड प्रेजेंट है ना, एसिड एनहाइड्राइड दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या मान लो आपके पास एस्टर प्रेजेंट है, ऐसे वो पूरा सीक्वेंस है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारे पास पहले लिखा गया है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर दोनों में से जो आ गया, विम कैन बी राइट मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड किस में लिखना था, सेकंड वाले में ना, जहाँ पे वो कार्बोक्सिलिक के साथ, कोई पिछली एग्जांपल को कर रहे हैं। नहीं 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 मिथाइल क्लोराइड कैसे लिख सकते हो आप उसको, क्योंकि मिथाइल वाली चेन पे वो है ही नहीं ना, थर्ड की बात कर रहे हो। यस मैम, मिथाइल वाली चेन पे तो है ही नहीं, वन क्लोरो मिथाइल लिखा ना, वहां पे मिथाइल क्लोराइड लिख सकते थे। अच्छा, मिथाइल क्लोराइड नहीं, देखो आपके पास वहां पे क्या है कि जो हेलोजन है जब वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है किसी और सब्स्टिट्यूएंट के साथ। अगर आपके पास ऐसा होता कि मैं आपको बोलूं CH3X इतना ही कंपाउंड है, ये पेरेंट चेन है, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप इसको मिथाइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड बोल देते हो। बट उस केस में क्या है कि ये CH2 पार्ट अपने आप सब्स्टिट्यूएंट है और इस पे जो क्लोरीन लगा हुआ है ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप उसमें इसको एज हेलो लिखोगे स्टार्टिंग में, ठीक है। जब ये अपने आप सिंगल एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो हैलाइड आप एंड में लिखते हो, एंड इन द सेंस सफिक्स वाले फॉर्म में। लेकिन अगर ये खुद सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में है, क्योंकि उसमें एस्टर भी प्रेजेंट था फंक्शनल ग्रुप था, तो आप उसको हैलाइड नहीं लिख सकते, इसको हेलो लिखना पड़ेगा। ओके, क्लियर होगी बात। चलिए ठीक है, अगर नहीं हुई होगी तो पूछ लेना, कोई बात नहीं बाद में। तो यही मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मान लो आपके पास यहाँ पे अल्कोहल था और एसिड था, ऐसे पूरी चेन वो लिखी हुई है, तो उस केस में आपके पास अल्कोहल जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट को हम कहाँ लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रेफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। और क्या यूज करते हैं उसके लिए, वो आपको उस टेबल में प्रॉपर लिखा गया है कि अगर मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है तो उसके लिए ऑक्सो लिखते हैं, या स्पेसिफिकली कीटोन प्रेजेंट है तो उसके लिए कीटो लिखते हैं, अगर हमारे पास OH अल्कोहल प्रेजेंट है तो उसके लिए हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो फर्क है ना, अगर मैं हाइड्रोक्सी लिख रही हूं इसका मतलब अभी ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, और अगर मैं इसके लिए ओल लिख रही हूं इन द एंड तो ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो आपको यही तो चेक करना है कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो किसकी डोमिनेंस ज्यादा है, जिसकी डोमिनेंस ज्यादा होगी जो इस सीरीज में पहले आएगा उसको हम रखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम यहाँ पे जो सफिक्स दिया जाता है वही देंगे, लेकिन दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम प्रेफिक्स में ले लेंगे, और प्रेफिक्स में लिखने के लिए उसको अलग शब्द दिया जाता है जो उस टेबल में पूरा मेंशन है, ठीक है। तो अभी भी अगर किसी को कोई भी डाउट इसका रह रहा है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन थी कि मोर देन फंक्शनल ग्रुप में कैसे डिसाइड करना है। ओके, एंड एक लास्ट पॉइंट जो मुझे बताना है वो ये है कि हमारे पास साइक्लिक सिस्टम
में भी नॉमेनक्लेचर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसी का जो फोर्थ पॉइंट है वो आप साइक्लिक सिस्टम के लिए कि फोर साइक्लोएल्केन्स, अगर आपके पास साइक्लिक सिस्टम आता है तो उसमें क्या करना है, उसमें कुछ नहीं है, बस साइक्लो वर्ड लगाना है, उसमें कोई नई चीज नहीं आएगी, उसमें क्या लगाना है, उसमें साइक्लो वर्ड लगाना है। मतलब अगर थ्री मेंबर्ड रिंग है और थ्री मेंबर्ड के लिए हम यूज करते हैं, मतलब थ्री कार्बन के लिए प्रोप, तो इसमें आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर फोर मेंबर्ड हुई तो हम बोल देंगे साइक्लोब्यूटेन, अगर फाइव मेंबर्ड हुई तो हम बोल देंगे साइक्लोपेंटेन, अगर सिक्स मेंबर्ड हुई हम बोल देंगे साइक्लोहेक्सेन, ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है, जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। अगर सेवन हुई तो साइक्लोहेप्टेन, आठ हुई तो साइक्लोऑक्टेन, नौ हुई साइक्लोनोनेन, इस तरीके से हमारे पास चलता जाता है। बट साइक्लो वर्ड अगर पहले आ गया तो उसका मतलब है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अब ओपन चेन नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे में अगर मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट सपोज प्रेजेंट हो, मान लो इस रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो फिर मुझे सेम वही रूल्स फॉलो करने हैं जो मैंने ओपन चेन के लिए किए थे। और ओपन चेन में मैं सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा लोअर नंबर देना प्रेफर करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नंबर मिथाइल को दिया जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा, हाँ जी, वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, या वन नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, बिकॉज एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग का महत्व तब ज्यादा बढ़ जाता है जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे आपके पास सपोज ऐसा होता, दो जगह सब्स्टिट्यूएंट थे। अब देखना यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, कई बार ये छोटी सी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करना चाहूं दोनों के लिए तो मेरे पास ऐसे भी हो सकता था वन टू थ्री फिर फोर फाइव सिक्स, तो मेरे पास जो दोनों लोकेट्स के लिए, दोनों सब्स्टिट्यूएंट के लिए नंबर आएगा वो आएगा वन और थ्री। बट अगर मैं दूसरी तरफ से कोशिश करूं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो मेरे पास नंबर आएगा वन एंड फाइव, तो इसमें से गलत कौन है, क्योंकि ये लोकेट के लिए बड़ा नंबर दे रहा है। तो इस चीज को कभी मत भूलना, ये हमेशा दिमाग में रखना कि चाहे प्रेफरेंस किसी को भी दी जाए, लेकिन अगर दूसरे तरीके से जो नंबरिंग है वो हायर जा रही है तो वो सही तरीका नहीं माना जाएगा, ठीक है। वन थ्री डाइमिथाइल, हाँ मैं बता रही हूँ, इसका नाम आपके पास आएगा वन थ्री डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वन थ्री डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको पहले लिखो, फिर साइक्लो वर्ड लगाओ, फिर जो पेरेंट चेन है जितने कार्बन उसमें प्रेजेंट है उसको आप वहां पे लिखोगे। अब अगर मेरे पास इसी में ऐसा हो कि सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है और मेरे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में क्या करना है। हमने पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट के बीच में कंपैरिजन आया तो किसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को। इट मींस हम यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे वन टू एंड थ्री, ठीक है, और वन टू और थ्री में अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स देखे जाए तो एक टू पे है और एक थ्री पे है, तो मैं लिख सकती हूं इसको टू थ्री डाइमिथाइल साइक्लो पेंटीन, यस, या फिर अगर पोजीशन बतानी है तो वन इन भी लिख सकते हो, सिंपल पेंटीन भी लिख सकते हो, क्योंकि जब फर्स्ट पे होता है तो कई बार नंबरिंग नहीं भी करते हम, तो इसका नाम बनेगा टू थ्री डाइमिथाइल साइक्लो फिर पेंट ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, अगर सिंगल होते तो एन, ट्रिपल होता तो आयन, तो सारे वही रूल्स हैं
बस एक साइक्लो वर्ड नया आया है, तो ये मैं आपको बताना चाहती थी ताकि सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे। और आईयूपैक से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, चाहे अनसैचुरेटेड है, चाहे एक फंक्शनल ग्रुप के साथ है, चाहे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप के साथ है, या साइक्लिक सिस्टम का है, कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो अब ऐसा होगा कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के लिए जितने रूल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। कल तक आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के रिलेटेड और जीओसी के बाकी कंसेप्ट्स के भी, उसकी एक पीडीएफ मिल जाएगी कल तक आपको। तो उसमें ऐसा होगा कि सिर्फ आईयूपैक के क्वेश्चन नहीं होंगे, जो जीओसी का पार्ट हो गया है या जो होने वाला है उसके भी क्वेश्चंस होंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो जितना जितना पार्ट होता चलेगा उतने उतने क्वेश्चंस आपने उसके करते चलने हैं, और फिर जैसे ही वो सारा जीओसी पार्ट हमारा हो जाएगा फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे जीओसी में और आगे बताना है वो एक बार मैं डिस्कस कर लूँ एंड फिर स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिस टाइप के आपको कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ जी बोलिए। मैं ना ऐप में जो कल वाली वीडियो डाली है ना, तो हाँ उस पे नीचे ना डेट्स के साथ आता था ना, उन्होंने ना नीचे लिख दिया पीजीटी फिजिक्स मैथमेटिकल टूल्स, और वीडियो आपकी डाली हुई है वो थोड़ा अच्छा, ट्रिकी लेकिन क्वेश्चन है मेरे ही उसमें। है। अभी अभी जस्ट देखा ना, तो है आपकी वीडियो। मैंने बोला नहीं चलाऊंगी कि पीजीटी की डाली है, फिजिक्स की। जब मैंने चलाई तो वो है आपकी। ओके, एक्चुअली मैं बताती हूँ कि मेरी ना मॉर्निंग में होती है क्लास सीएसआर नेट के साथ, तो मेरी 9:30 से 12 तक क्लास रहती है, और जैसे कि फिर अगर मैं 12 बजे के बाद अपलोड करूँ तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है आप लोगों के लिए। इसीलिए मैंने टेक्निकल टीम में से किसी को बोल रखा है, मैं उनको वीडियो भेज देती हूँ जैसे ही वो आती है और फिर वो डालते हैं। तो कोई बात नहीं, मेरे सेक्शन में मिल रही है, ओपन करके देख लेना, मेरी होगी तो ठीक रहेगा, बाकी मैं करेक्शन करवा दूंगी, उनको बोल दूंगी। ठीक है, चलो। जीओसी में अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज बता दूं, मैंने कार्बन एटम से रिलेटेड जितना जरूरी है वही आपको बताया है। बाकी आपके पेपर में क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक में, जो मैंने कहा था एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हाइब्रिड नंबर कैलकुलेट करने का, फिर हाइब्रिडाइजेशन बताने का, और उस हाइब्रिडाइजेशन के साथ कौन सी ज्योमेट्री लिंक करती है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन डेफिनेटली आया हुआ है, बट ये पार्ट आपको इनऑर्गेनिक में करवा दिया जाएगा। तो उसको इसके साथ मिक्सअप मत करना, ये सिर्फ आपके बेस क्लियर करने के लिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन को, जो कार्बन के है और कार्बन में एसपी sp2 sp3 यही पॉसिबल है, तो उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास आयुपैक हर तरीके से जितने भी टाइप का बनता है वो हो गया है। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं बेसिक कंसेप्ट से, वो आते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। और एक्चुअल में ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कैसी स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल कैसी स्पीशीज है। और आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, चार ऑप्शन देके पूछेगा कि इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, या इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो इस बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके पास ना क्वेश्चन एसिडिटी और बेसिसिटी वाले भी आए हुए हैं कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ओके एसिडिटी या बेसिसिटी। तो इस कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए आपको दो चीजों से होके गुजरना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। पहला कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आता है इंडक्टिव इफेक्ट, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सारी बातें। और दूसरे हमारे पास है यहाँ पे कार्बोकेटायन एंड कार्बे एनायन, क्योंकि बहुत सारी एसिडिटी बेसिसिटी हो सकता है कार्बोकेटायन और कार्बे एनायन के साथ जुड़ी हुई हो, तो ये इंटरमीडिएट्स भी हमें जानने हैं। और सॉरी, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है इसके बारे में भी हमें यहाँ पे बात करनी है। अब एक क्वेश्चन मैंने देखा कि आईयूपैक के साथ ना उन्होंने कायरलिटी के कंसेप्ट को जोड़ा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन देखा जी किसी ने? मैम, आया है मैम ऐसा क्वेश्चन। हाँ, प्रीवियस ईयर में एक ऐसा क्वेश्चन था कि था वो आयुपैक का ही, बट उसमें पूछा ये गया था कि इन चारों में से कौन सा कंपाउंड कायरल है। तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है और ये कंसेप्ट बहुत इजी है, तो इसी को मैं अभी कवर करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट आप हेडिंग दे दीजिए कायरलिटी। जो क्वेश्चन भेजोगे आयुपैक के, वो तो जैसे जो लिखा होता है हम नेम बनाते हैं ना, तो नेम के साथ स्ट्रक्चर बनानी वो भी आते हैं ना कई बार।
उसमें डाउट है आपको लाइक? अगर है तो मैं डिस्कस कर दूंगी, उसमें क्वेश्चन मेरे को थोड़े डाल देना ना, थोड़ा हमारा प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी क्वेश्चन डालोगे? हाँ 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 जी बिल्कुल, वो भी डालूंगी मैं। कुछ काम मैं आपके लिए भी छोड़ रही हूँ, बिकॉज ऐसा है कि मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं कभी भी 100% स्पून फीडिंग नहीं करती हूँ, मुझे क्योंकि मेरे टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है कि सामने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका दिमाग चलना चाहिए, गलत चले सही चले बट चलना चाहिए। जब तक वो अपने दिमाग से काम नहीं लेंगे तब तक मेरे सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो दैट्स व्हाई मैं बहुत सारी चीजें जो होंगी वो आप पे भी छोड़ूंगी, उसके बाद मैं समझाऊंगी, ठीक है? चलो हाँ, लेकिन रहूंगी आपके साथ हमेशा, उसकी टेंशन मत लेना, समझाऊंगी और बताऊंगी जरूर। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए कायरलिटी। और कायरलिटी वर्ड का मतलब जो है वो हमारे पास है एक ऐसे कार्बन के साथ जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। तो आपको कायरलिटी अगर चेक करनी है तो आपको पहले कार्बन एटम को एज्यूम करना है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। अगर कार्बन एटम प्रेजेंट है तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी होती है हाइब्रिडाइजेशन की। क्या क्या? या तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, या होगी sp2, या फिर होगी sp, ठीक है? तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास sp2 कार्बन पे या sp वाले कार्बन पे कभी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा। नो कायरल सेंटर sp2 और sp पे कभी भी कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता। कायरल सेंटर आपको तभी मिलेगा जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, मतलब उसके सारे बॉन्ड, चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स है। तो उसमें भी आपको sp3 अगर आपने चेक कर लिया तो आपको आगे क्या चेक करना है? आपको चेक करना है इफ फोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट। आप लिखोगे चेक इफ फोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, तो आपको दो आंसर मिलेंगे, यस या फिर नो। सिंपल सी बात है कि हाँ sp3 कार्बन है, बट उस sp3 कार्बन के जो चारों सब्स्टिट्यूएंट हैं, जो चार उसके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, क्या उन चारों में कोई दो तीन या चार आपस में सेम है या चारों के चारों डिफरेंट हैं? अगर आपको आंसर मिला यस, चारों जो सब्स्टिट्यूएंट है दे आर डिफरेंट, तो आप कहोगे कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है। बट अगर आपके पास आंसर आ गया कि कायरल सेंटर जो आपके पास चारों सब्स्टिट्यूएंट है, ओके, सपना ने हैंड रेज किया, कुछ कहना है? नाउ लेफ्ट, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि अगर चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो मैं कहूंगी वो कायरल है, वो कार्बन कायरल सेंटर वाला है। और अगर उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो थी बट वो चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट नहीं हुए, मान लो कोई दो सेम हो गए, तीन सेम हो गए, तो उसमें भी कायरल सेंटर नहीं होता है। सो आपके पास कायरलिटी की या कायरल सेंटर की डेफिनेशन क्या है? कायरल सेंटर ऑन कार्बन एटम की डेफिनेशन क्या है कि उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, और sp3 होने के साथ साथ उसके जो चारों सब्स्टिट्यूएंट है दे शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर चारों डिफरेंट होंगे तब हम कहते हैं कि कायरल सेंटर है, अगर नहीं तो फिर हम कहेंगे कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? तो एग्जाम्पल करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और एग्जाम्पल में जैसे सपोज आपके पास ये कंपाउंड है CH3CH2CH3, ठीक है? एंड फोर्थ मेरे पास कुछ ऐसा ले लेते हैं हम, एंड फिफ्थ के लिए
पांच मॉलिक्यूल मैंने यहाँ लिखे हैं, इन पांचों मॉलिक्यूल में हम ढूंढते हैं कि कहाँ कायरल सेंटर है, कहाँ कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, तो देखो जो पहला मेरे पास मॉलिक्यूल है उसमें तीन कार्बन प्रेजेंट है, तीनों में से कहीं पे भी कायरल सेंटर प्रेजेंट हो सकता है, चेक करते हैं। अब अगर मैं देखूं तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 थी, इसकी भी sp3 थी, इसकी भी sp3 थी, बट दिक्कत क्या है कि sp3 होने के बाद भी तीन हाइड्रोजन सेम, एक भी हाइड्रोजन, दूसरा भी हाइड्रोजन, तीसरा भी हाइड्रोजन, तो sp3 होने के बाद अगर उसके सब्स्टिट्यूएंट सेम होते हैं तो उसमें कायरल सेंटर नहीं होगा। वही चीज इस कार्बन के साथ हुई, इसके पास एक हाइड्रोजन तो दूसरा भी हाइड्रोजन, दो सेम हो गए, नहीं पॉसिबल। इस पे तीनों सेम हो गए, नहीं पॉसिबल, तो इसमें जीरो कायरल सेंटर है। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उस पे कायरल सेंटर का नंबर है जीरो, कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो इसी तरीके से चेक करके मुझे बताओ जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसमें कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है? नो कायरल सेंटर जीरो। यस, देखो आपके पास ये sp3 था, ये sp3 था, बट यहाँ पे तीन हाइड्रोजन और यहाँ भी तीन हाइड्रोजन, तो इन दोनों का तो कोई चांस था ही नहीं। इस कार्बन पे लगा कि चांस हो सकता था क्योंकि एक हाइड्रोजन है, एक ही क्लोरीन है, बट दिक्कत कहाँ आई, मिथाइल कितने हो गए, दो। तो दो सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम होंगे तो इसपे भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका भी आंसर आया जीरो कायरल सेंटर, कोई कायरल सेंटर नहीं है। अब थर्ड मॉलिक्यूल में अगर मैं चेक करूं तो इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है। CH3 में नहीं होगा, CH3 में नहीं होगा, CH2 में भी नहीं होगा, बट इस कार्बन पे मेरे पास एक था हाइड्रोजन, एक था ब्रोमीन, तो हाइड्रोजन अलग, ब्रोमीन अलग, CH3 एक तरफ था और इस कार्बन को दूसरी तरफ मिल रहा था CH2 CH3, जिसका मतलब कि ये एक ऐसा कार्बन है जिसको चारों तरफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे थे, हाइड्रोजन अलग, ब्रोमीन अलग, मिथाइल CH3 अलग और CH2 CH3 मींस इथाइल अलग। तो जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसके चारों तरफ एनवायरमेंट या उसके सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, फोर्थ में कायरल सेंटर का नंबर, फोर्थ में कायरल सेंटर का नंबर डबल बॉन्ड जीरो। देखो छह कार्बन है लेकिन जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो sp2 होते हैं और sp2 पे तो हम बात ही नहीं करते कायरल सेंटर की। बच गए मेरे पास ये बाकी के चार, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ पे जो मुझे नहीं दिख रहा है वो क्या है एक्चुअल में, हाइड्रोजन। ये आपको इसको बॉन्ड नोटेशन बोलते हैं, बॉन्ड नोटेशन, कि ये जो होता है ये कार्बन होता है और जो हमें नहीं दिख रहा उसको हम पूरा करने के लिए क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन लिखते हैं, जबकि मेरे पास ऐसा बॉन्ड बना के छोड़ दिया है, तो बॉन्ड बना के छोड़ने का मतलब होता है मिथाइल, लेकिन जहां पे बॉन्ड भी नहीं बनाया है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन्स, इनको बोलते हैं बॉन्ड नोटेशंस। तो उसके अकॉर्डिंग हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन थे क्योंकि एक कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए, और अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे तो इसमें भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं था। और फिफ्थ में इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इस कार्बन का भी नहीं पॉसिबल क्योंकि तीन मिथाइल है, इसका भी नहीं पॉसिबल क्योंकि दो हाइड्रोजन है, हाँ इसका पॉसिबल है क्योंकि CHO मींस एल्डिहाइड वाला ग्रुप अलग, हाइड्रोजन वाला ग्रुप मतलब हाइड्रोजन एक अलग हो गया, मिथाइल अलग हो गया और इतना सारा पार्ट एक अलग हो गया,
तो इस कार्बन को ये अलग सब्स्टिट्यूएंट मिला, ये अलग मिला, मिथाइल अलग मिला और हाइड्रोजन अलग मिला। तो अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और चारों तरफ जो उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा आया था वो आपको जब मैं कल पीडीएफ शेयर करूंगी तो उसमें वो मिल जाएगा, क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। नाम दिए गए थे, चार ऑप्शंस दिए गए थे और पूछा गया था कि इसमें बताओ कि कौन से मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट है। बट यस, उसमें ये करना था कि आपको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर दिया हुआ था, आपको स्ट्रक्चर बनाना था और स्ट्रक्चर बना के ही आप बता सकते थे कि किसमें कायरल सेंटर है किसमें नहीं। तो इस तरीके से भी आपको नॉमेनक्लेचर के साथ कंसेप्ट को जोड़ के पूछा जा सकता है। क्लियर है यहां तक बात सबको? किसी को कोई भी यस डाउट मैम, नो मैम। नहीं है? चलिए ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी जो कंसेप्ट्स हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को छोड़ के, मेरी कोशिश है कि आपके अभी आज के ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन क्लास है, तो इसके बाद इन दोनों क्लासेस के बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वाला पोर्शन बचेगा, बाकी आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब शुरू तो हो जाएंगे बट खत्म नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा तसल्ली से समझाना पड़ता है। एसिडिटी और बेसिसिटी वाला क्वेश्चन ऐसे होता है कि वो कैसे भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो फिर क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं आती। ठीक है। मैम, जो पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर का क्वेश्चन था ना, जिस आंसर प्रोपाइल आपने बोला था 4-ethene-1 आएगा, तो फिर मैम वैसे उसका आंसर तो वो दूसरा आ रहा है, 3-propane। हाँ बी ऑप्शन आ रहा है ना? जी, तो हाँ, फिर तो अगर आपको इस एग्जाम के लिए करना है तो आप बी ऑप्शन ही करके आओगे अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ तो। बट अगर मैं फैक्ट्स के बेसिस पे बताऊं तो उसका फर्स्ट आंसर ज्यादा करेक्ट बनता है, बिकॉज ब्रैकेट में अगर कोई भी चीज लिख दी गई तो वो सब्स्टिट्यूएंट होती है, उसको कभी भी हम मेन चेन में नहीं गिनते। मैम, ठीक तो है। उन्होंने जो पेपर डाला है ना उसमें उन्होंने सीधी लिखी है, कोई बॉन्ड नहीं बनाया है पेपर अच्छा, में। नहीं ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं बनाई, मेरे को वो नहीं, मैंने देखा है, उन्होंने ना बॉन्ड किसी का मुझे शो नहीं क्वेश्चन। किया है। हाँ, अगर अगर सुनो, अगर आपको उसने उन्होंने ब्रैकेट नहीं बना के दिए, मैंने जहां से देखा था उसमें ब्रैकेट थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वो आंसर बताया कि अगर ब्रैकेट में आया तो वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। बट अगर कहीं पे स्ट्रक्चर आपको ओपन करके वो अपने आप बना के दे देता है और उसको ब्रैकेट में नहीं लिखा है, तो फिर तो बी ऑप्शन ही बनेगा। ठीक मैम है। ठीक है, हाँ ओके, और ओके मैम, कुछ नहीं है? चलिए ठीक है, फिर बाय बाय एंड टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू मैम। वेलकम।